गुड इवनिंग, आपका मेरे यूट्यूब के चैनल पे फिर से स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में, जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी, उसमें हमने किया था कि नंबर सिस्टम में कौन से नंबर होते हैं और कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस नंबर को क्या चीज़, होल नंबर को क्या रिप्रेजेंट करता है, चाहे नेचुरल नंबर में क्या कौन कौन से नंबर आते हैं। तो उसके रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरेशनल, कि इसमें से इरेशनल संख्या कौन सी है। तो हमने जिन जिन लोगों ने भी पिछली वीडियो देखी, उनको तो पता होगा कि इरेशनल कौन सा, लेकिन उनको इन दो में कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी, क्योंकि इरेशनल का मतलब होता है जो पी बाय क्यू के फॉर्म में ना हो। और अगर हम एक बाय एक को भी ऐसा नहीं लिख सकते, ये भी गलत होगा, और इसको भी हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें हमें जो इरेशनल की वैल्यू रहेगी वो पाई या अंडर रूट, ये रहेगा अंडर रूट 9। और अगर हम अंडर रूट 9 की वैल्यू देखें, अंडर रूट 9 की वैल्यू देखें तो वो 3 होती है। तो 3 एक हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसमें से बचा क्या हमारा पाई, और पाई का ही एक मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पाई हमारा इरेशनल गिना जाता है और इसको इरेशनल मानते हैं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइम नंबर, कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न रहती है ना लोगों को, वो ये है कि एक को भी हम प्राइम नंबर में मान लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं कि एक को भी प्राइम नंबर मानते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत हो जाती है। एक हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, हमारा जो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2। तो इसका राइट आंसर होगा 2। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। हमारे मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है 2। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। हमने पिछले, अगर नंबर सिस्टम की हमने जो पहली वीडियो देखी, तो उसमें हमने बताया था कि को प्राइम कौन से होते हैं जिनके फैक्टर एक तरह के ना हो, एक जैसे दोनों के फैक्टर ना हो। अगर हम पहला वो देखें अपना, तो उसमें 33 और 87 है जो, वो दोनों 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 के टेबल में 11 तियाँ 33 और 19 तियाँ 29 तियाँ आ जाएगा 87। तो दूसरे बी ऑप्शन में देखेंगे 1957, 19 एकम 19, और 19 को अगर 3 से भाग मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 होगा। तो ये भी हमारा को प्राइम नहीं आएगा। तो इसमें हमारा को प्राइम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और 10 और 13 के फैक्टर नहीं होते इसमें। तो दूसरा तरीका है इसका HCF चेक करना है। HCF अगर हम 33 और 87 का HCF देखें तो HCF आएगा हमारा 3। 19 और 57 का अगर HCF देखें तो वो आएगा 19। 10 और 13 का HCF क्या आएगा, 1। तो को प्राइम को दूसरे तरीके से पता करने वाला एक ही आइडिया है, इनका को प्राइम चेक कर लें, उनका HCF चेक करें। अगर जिस भी नंबर का HCF दोनों पेयर में एक हो तो वो हमारा को प्राइम हो जाएगा। अगला सवाल है, हाउ मैनी प्राइम नंबर इन बिटवीन 1 to 100। ये चीज़ हमें ना याद ही करनी पड़ेगी कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, और उसका सही आंसर है 25। ये चीज़ हम याद ही कर लें, नहीं तो हमें सभी प्राइम नंबर लिख के देखने पड़ेंगे, उनको गिनना पड़ेगा, काफ़ी समय लेगा। ये चीज़ हमें याद ही कर लें तो बहुत बढ़िया है कि 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ओड, कि कौन सा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये हमेशा ही ओड ही रहेगी। सम ऑफ द 2 ओड नंबर, अगर हम 2 ओड नंबर का योग करें, जैसे 7 + 5, और इसका योग करें तो ओड आता है, ओड नहीं आता, तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत। दूसरी स्टेटमेंट देखें, डिफरेंस ऑफ 2 ओड नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 ओड नंबर 7 - 5, ये भी आएगा हमारा 2। ये भी एक इवन नंबर आया, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट होगी गलत, दूसरी स्टेटमेंट में हमारी गलत। तीसरी स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर 7 * 5 करें तो ये आता 35। 35 इज़ आल्सो ए ओड नंबर। तो ये हमारी जो तीसरी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा हो गया है ऑप्शन सही।
अगला हमारा जो सवाल है उसमें लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो आर कॉल्ड डैश नंबर। अगर नेचुरल नंबर और ज़ीरो दोनों को मिला दिया जाए तो कौन से नंबर बनते हैं? पहली ऑप्शन है रैशनल, इंटीजर, होल एंड प्राइम नंबर्स। रैशनल नंबर का तो हमें पता है कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे वो हो गए पी बाई क्यू वाई के फॉर्म में, वो हो गए इंटीजर। नहीं है इसका आंसर, राइट आंसर होगा होल नंबर। नेचुरल और ज़ीरो को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो होते हैं हमारे होल नंबर। प्राइम नंबर का भी हमें पता है जो एक और एक एंड अपने ऑन टेबल में काटे जाएं, ऑन टेबल में वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अगर हम अगला सवाल देखें, अगला सवाल है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है? एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। हाँ ये तो सही है, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर। अगर ज़ीरो से आगे लेके जितने भी नंबर हैं वो सारे होल नंबर हैं, जैसे नेचुरल नंबर है। पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी है एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, ये भी सही है। जितने भी इंटीजर है, जितने भी होल नंबर है वो सारे इंटीजर में आते हैं, ये भी सही है। तो तीसरी ही दी लोवेस्ट नेचुरल नंबर इज़ ज़ीरो, दी लोवेस्ट नेचुरल नंबर इज़ ज़ीरो, ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि लोवेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो होता है वन, लोवेस्ट नेचुरल नंबर होता है वन। और ज़ीरो जो होता है उसे हम गिनते हैं होल नंबर, उसे होल नंबर में पढ़ा जाता है। ये कभी भी मत लिखना कि ज़ीरो इज़ ए नेचुरल नंबर, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर है। अगला सवाल है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ इरेशनल। इसमें से इरेशनल कौन सा है? हमने पीछे भी देखा और पाई के केस में भी देखा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है अंडर रूट 3, 7, 3.5, 3.5 और 22/7। ये हमें चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें पता करना कि इरेशनल नंबर कौन सा है। इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है 22/7 और अंडर रूट 3 की। कुछ लोगों को जैसे इन्होंने 22/7 दिया है तो कुछ लोग करेंगे कि 22/7 को पाई मान लेंगे और इसको टिक कर देंगे, और अंडर रूट 3 और 22/7 में कन्फ्यूज़न रहेगी। हमने जो पीछे पढ़ा है, जो हमने अभी तक देखा है, उसमें ये चीज़ देखी है कि 22/7 को नहीं, हम पाई, जो पाई की वैल्यू होती है, जो पाई है उसको इरेशनल मानते हैं, ना कि 22/7 को। तो इसलिए ये 22/7 हमारी ऑप्शन हो जाएगी गलत, और हमारी सही ऑप्शन होगी अंडर रूट 3। आगे है हाउ मैनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 15 to 100। हमने पीछे जो पढ़ा था वो पढ़ा हमने 1 से लेकर 100 के बीच में कितने होते हैं, 25। 1 से लेकर 100 के बीच में 25। और अभी हमें पता करना है 50 से लेकर 100 तक। तो इसके लिए भी हम याद कर ले, 50 से लेकर 100 तक होते हैं 10, और 1 से लेकर 50 तक होते हैं 15। ये दोनों चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी कि 1 से लेकर 50 तक होते हैं 15, 50 से लेकर 100 तक होते हैं 10, और 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर 25 प्राइम नंबर होते हैं हमारे टोटल। तो अगला हमारा सवाल सवाल है जो वो है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा? तो इसका तो हमें सीधा ही ऑप्शन मिल जाएगा 2, क्योंकि 2 ही इसमें ऐसा है जो प्राइम नंबर है, और 3 है तो 3 इवन नहीं है, ये ओड है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो हमारा ऑप्शन यही चलेगा। अभी कुछ की वर्ड मैं आपको बताऊंगा नंबर्स के रिलेटेड जो हमें काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। पीछे हमने थोड़े से क्वेश्चन किए, उसके बाद हम थोड़े से रूल करेंगे इसके अपने नंबर सिस्टम के। पहला पहला ही रूल है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 9 डिफाइंड तक सारे क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन ये होल नंबर कब बनते हैं? जब इनमें ज़ीरो ऐड किया जाता है, ज़ीरो ऐड होने के बाद ये होल नंबर में गिने जाते हैं। तो इससे एक चीज़ और पता चलती है कि ज़ीरो इज़ होल नंबर विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। जो ज़ीरो है, ज़ीरो एक होल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर की तरह बिहेव नहीं करता, ना कि इनको नेचुरल नंबर में हम माने। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ ए होल नंबर, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ ए
नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऑप्शन देते हैं, तो हम इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़ीरो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या कौन सा, इस चीज़ों में हम कन्फ्यूज़न रह जाती थोड़ी सी, तो इसीलिए ये थोड़े से रूल बता रहा हूँ। तो अगला है इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, मतलब अगर हम दो इवन नंबर को प्लस करें, जैसे टू दम टू इज इक्वल टू फोर, ये हमारा इवन नंबर ही बनेगा। हम किसी भी दो नंबर को कभी भी हम जमा करेंगे या उनका जोड़ करेंगे तो वो हमेशा इवन नंबर ही होगा। अगर हम ओड नंबर ले लें, तीन जमा तीन भी करें, तो ये भी हमारा एक इवन नंबर ही आएगा, कि किसी भी दो नंबरों का योग हमेशा ही इवन नंबर आता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है दो, और यही इवन स्मॉलेस्ट भी होता है, इवन स्मॉलेस्ट भी यही होता है, ओनली इवन प्राइम नंबर वो भी दो ही है, दो के अलावा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो और इवन हो, दोनों कंडीशन साथ में नहीं होगा दो के अलावा। फर्स्ट ओड प्राइम नंबर, सबसे पहला ओड प्राइम नंबर क्या होता है, वो होता है तीन। उसके बाद लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है फोर, एंड इवन लीस्ट इवन कंपोजिटिव नंबर भी फोर ही होता है। इसके बाद है लीस्ट ओड कंपोजिटिव नंबर, वो होता है नाइन। नाइन काफ़ी बाद में आता है, तो कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोग सात को भी प्रेफर करते हैं, लेकिन वो प्राइम नंबर है, वो कंपोजिटिव नंबर नहीं है, इसलिए नौ इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिटिव नंबर ओड। वन इज द यूनिक नंबर, कहता जो एक है ना, एक इज द यूनिक नंबर है, ये ना तो नोर प्राइम, ये ना तो नाइदर कंपोजिट, जो एक है वो ना तो प्राइम नंबर में गिना जाता और ना ही ये कंपोजिटिव नंबर में गिना जाता है। ये थोड़े से रूल जो बताए हैं ये याद कर लेना, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, आपके कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।